तो हाइड्रोकार्बन्स में चैप्टर फोर में आज हम अल्केन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। दो टॉपिक्स करने हैं अल्केन्स में डिस्कस हमें। अल्केन्स आप जानते हैं बेटा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। जब कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है तो उनको अल्केन्स कहा जाता है। अल्केन्स के स्ट्रक्चर को देखना है और इनके रिएक्शंस को देखना है, ठीक है। बस ये दो चीज़ें करनी है। अब स्ट्रक्चर के लिहाज से बात की जाए अल्केन्स की, तो सबसे पहली बात को कि अल्केन्स की जो है ना, जो भी अल्केन्स है उसमें कार्बन कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बिल्कुल सही। हर कार्बन अल्केन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो शेप उस सूरत में उसका कैसा आता है? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होता है। और इसके अलावा बॉन्ड एंगल कितनी आती है? 109.5 डिग्रीज आती है, ठीक है। तो ये किसी भी अल्केन की आप बात कर लेंगे बेटा, तो हर अल्केन के अंदर चाहे वो मीथेन हो इथेन हो, हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा और 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होंगे, ठीक है। और उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, पाई बॉन्ड्स नहीं मौजूद होंगे, चूंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं। अगर हम बात करते हैं CH4 की, अगर हम मीथेन की बात करते हैं, तो जब मीथेन को जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स कितने आएंगे टोटल? फोर। तो टोटल इसके अंदर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। चूँकि कार्बन के साथ हम देख सकते हैं कि चार तरफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा, सो देयर विल बी 4 सिग्मा बॉन्ड्स। और जब हम बात करते हैं इथेन की, बात करें C2H6, दिस इज़ द सेकेंड मेम्बर इथेन, तो इथेन में कितने हमारे पास आ जाएंगे सिग्मा बॉन्ड्स? 6 आ जाएंगे। पक्की बात है? गलत जवाब दे रहे हैं ये, जल्दी में आपने गलत जवाब दे दिया है। ये है ना हमारे पास इथेन C2H6। इफ यू वी आर गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर हमारे पास 7 सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे किसमें भाई? इथेन के अंदर। और मिथेन के केस में हमारे पास जो है वो सिर्फ 4 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आएंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। मिथेन का दूसरा नाम क्या होता है एनडी में पूछते हैं? मार्श गैस कहा जाता है, मार्शी एरिया से निकलती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में आपको ये बात याद रखनी है, जस्ट क्लियर है, बस लिख लें उसको। ये इसके बाद आते हैं बेटा रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, ये मेन टॉपिक है अल्केन्स का। अल्केन के रिएक्शंस कौन से होते हैं? तो बेटा इससे पहले कि मैं अल्केन के रिएक्शंस की बात करूं, हम कुछ बेसिक नॉलेज अपने डेवलप करते हैं कि जो ऑर्गेनिक हमारे पास रिएक्शंस होते हैं ना, ऑर्गेनिक रिएक्शंस मेन कैटेगरी जो है ना, उसके अंदर दो टाइप के रिएक्शंस हमारे पास मेन होते हैं। उसके अंदर होते हैं तो मल्टीपल टाइप्स के, दो टाइप्स इसके जो है वो मेन है। एक हमारे पास कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक हमारे पास कहलाता है एडिशन रिएक्शन। वैसे तो ऑक्सीडेशन भी होता है, एलिमिनेशन भी होता है, ठीक है, रिडक्शन भी होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मेन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। क्या डिफरेंस है सब्स्टिट्यूशन में? सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन की जगह पर कोई और आ जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर ए बी अगर रिएक्शन है, अगर वो सी से रिएक्शन कर रहा है तो ए सी बन जाएगा और बी बाहर हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है, जहाँ पर ए बी जो है जिस पर सब्स्टिट्यूशन हो रही है दैट इज कॉल्ड अ सब्स्ट्रेट, और जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है आकर उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट, और जो चीज़ बन गई उसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और जो बाहर निकल गया उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और एक होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? दो चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे ए बी है ना, और वो सी से मिल गया तो ये मिलकर क्या बन गया? ए बी सी। तो ये एडिशन रिएक्शन, ऐड हो जाएंगी चीज़ें इसमें, ठीक है। अब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना बेटा, इसमें क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है ना, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक्स। जबकि एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? यस, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक्स। और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करते हैं? याद रखिए, सब्स्टिट्यूशन सारे के सारे जो जितने भी हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऐसे सब्स्टिट्यूशन होता है और ऐसे सैचुरेटेड होता है। जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं भाई? वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हो रहा है जिनमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड नहीं होता,
ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें पाई बॉन्ड एब्सेंट होता है, तो वो हमारे पास हमेशा जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। जैसे कि उसके अंदर हमारे पास आ गया अल्केन्स आ जाएंगे, RH कहते हैं ना अल्केन्स को, अल्केन्स आ जाएंगे, अल्काइल हैलाइड्स आ जाएंगे, इसी तरह से बेंजीन आ जाएगा, ये सारे हमारे पास बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो अगरचे बेंजीन में पाई बॉन्ड होता है लेकिन वो एक अलग कहानी है, ठीक है। तो बेंजीन, अल्काइल हैलाइड्स, अल्केन्स, ये सब के सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सब के सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और एडिशन रिएक्शंस हमारे पास कौन करते हैं, जिनमें पाई बॉन्ड मौजूद होता है, जिसमें पाई बॉन्ड होता है, चूंकि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो पाई बॉन्ड का होना ज़रूरी है। तो एडिशन रिएक्शन कौन करते हैं हमारे पास, ये हमारे पास सारे जो अल्कीन्स हैं या सन सैचुरेटेड अल्कीन्स करते हैं, अल्काइंस करते हैं, इसी तरह से एल्डिहाइड हो गया, इसी तरह से कीटोन हो गया, ये सारे हमारे पास जो है वो एडिशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो जिसके इन सब में पाई बॉन्ड होते हैं, अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स को ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो एक चीज़ तो ये हमें समझ में आई कि हम जो रिएक्शन करने वाले हैं, चूँकि हम अल्केन्स की रिएक्शन करने हैं, अल्केन RH होता है, दिस इज अल्केन, और अल्केन जो है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, ठीक है। और जो अल्केन्स होते हैं ना, आपको पता है कि अल्केन्स की रिएक्टिविटी लो होती है, अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं ना भाई। क्या रीज़न है लेस रिएक्टिव होने का इनके पीछे, सिग्मा बॉन्ड की वजह से, चूँकि बिल्कुल आप सब जानते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास जो है वो कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसलिए ये रिएक्टिविटी स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। तो ये भी हमने इसको पढ़ा कि एडिशन रिएक्शन सारे कौन करेंगे, ये तो मैंने बताया ही नहीं, एडिशन रिएक्शन सारे करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो वो सारे के सारे एडिशन रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, अच्छा तो मैंने क्या बताया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करेगा, जिनमें पाई बॉन्ड मतलब मौजूद, जिसमें सिग्मा बॉन्ड सिर्फ होंगे, ठीक है, जिसमें पाई बॉन्ड एब्सेंट होगा, तो जैसे कि अल्केन हो गया हमारे पास, देखो RH जब हम लिखते हैं ना, तो RH हमारे पास क्या होता है, दे आर एक्चुअली अल्केन्स, RX तो आप जानते हैं अल्काइल हैलाइड है, और बेंजीन जो है ना हमारे पास एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसलिए कि इसमें अगरचे इसके अंदर पाई बॉन्ड है, फिर भी ये जो है वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है, बात समझ में आ गया तक। अच्छा, ऑर्गेनिक रिएक्शन इस तरह दो तरह के, हमें इस वक्त जो है ना सब्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, एडिशन को नहीं पढ़ना, चूँकि हम अल्केन की हेडिंग हमने डाली हुई है, इसलिए हम कभी भी ये नहीं पढ़ेंगे, जब हम अल्कीन अल्काइन पढ़ाऊंगा तो मैं एडिशन कराऊंगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जरा समझिए रिएक्शन का। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी जब होता है ना बेटा, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसके हमारे पास मैकेनिज्म होते हैं, इसके हमारे पास मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे एडिशन रिएक्शन होगा या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा बेटा, इसके मैकेनिज्म होंगे, अलग अलग मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होते हैं। जैसे कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना बेटा, वो तीन तरह के मैकेनिज्म से होता है, तीन तरह के मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास एग्जिस्ट करती है। एक हमारे पास कहलाता है बेटा क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एक कहलाता है, यस बिल्कुल सही जवाब, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसको सब्स्टिट्यूशन बोलो तो ऊपर भी सब्स्टिट्यूशन लिख देते हैं फ्री रेडिकल, ताकि एक जैसा बिल्कुल हो जाए सब्स्टिट्यूशन, और नीचे एक क्या कहलाता है हमारा, बिल्कुल सही, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सारी बातें ना आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ये पूरे ऑर्गेनिक में पढ़ते ही रहेंगे जब सेमेस्टर स्टार्ट किया। इसी तरह से जब हम एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये दो मैकेनिज्म पे होता है, इसके दो मैकेनिज्म्स होते हैं, एक हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इससे पहले कि मैं आपको इस मैकेनिज्म के बारे में कुछ बात समझाना चाहूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में क्या एक डिफरेंस मौजूद होता है, क्या एक फ़र्क मौजूद होता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इस चीज़ के बारे में, बस यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है ना क्या बता रहा हूँ। अच्छा, अब देखो बॉन्ड क्लीवेज, जिसके लिए ना न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को समझने के लिए ना आपको बॉन्ड क्लीवेज का समझना ज़रूरी है। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का डिसोसिएट होना, बॉन्ड का डिसइंटीग्रेट होना, बॉन्ड का टूटना।
बॉन्ड क्लीवेज केमिस्ट्री के अंदर दो तरह से हो सकती है, एक हमारे पास कहलाता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और एक क्या कहलाता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज जिसमें दो सेम एटम के बीच का बॉन्ड टूटता है उसको कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है, या ClCl है, इस तरह से बना लेते हैं, चलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही बना लेते हैं। HH है बेटा, इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब जब इसका बेटा ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको पता है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, इसकी भी 2.1 है, इसकी भी 2.1 है, तो क्या करेंगे दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेंगे, तो क्या होगा कि जो है वो किसी पर चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एच डॉट और एच डॉट दो हमारे पास बन जाएंगे, सही है। इनको क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज, दे आर कॉल्ड, यस बिल्कुल, इन्हीं को कहा जाता है फ्री रेडिकल्स, इनको हम लोग फ्री रेडिकल्स कहते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। इसी तरह से सेम ये ClCl के साथ भी तो हो सकता है, ClCl के साथ भी तो कर सकते हैं, अगर दो Cl है, अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, दो Cl, टू Cl डॉट जनरेट हो जाएंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल कहलाएगा। तो ये फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं जो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनते हैं, जो सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड जब ब्रेक होता है, और जब डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहलाता है। इससे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जनरेट होते हैं। चेक कीजिए कैसे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर HCl की बात कर लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl की बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो अब क्या होता है, अब आप जानते हैं कि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और क्लोरीन की है 3.0, ठीक है। अब जो है दैट्स ही बात है कि जब बॉन्ड क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को तरफ खींचेगा, जब यह बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl पर माइनस आ जाएगा, तो ये हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कहलाती है। अब जिस पर याद रखिएगा कि जो नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज आया, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया उसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब होता है लवर, इलेक्ट्रॉन लवर, चूंकि पॉजिटिव चार्ज लगाया ना तो इलेक्ट्रॉन की तरफ भागे गई, नेगेटिव की तरफ भागे गई, तो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। और नेगेटिव चार्ज वाला हमारे पास क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस लवर हो गया, न्यूक्लियस लवर मतलब पॉजिटिव लवर, चूंकि न्यूक्लियस में हमारे पास क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन जब भी होती है तो फिर क्या होता है, उस सूरत में हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जनरेट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज जिसका होता है वो इलेक्ट्रोफाइल, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, पूरी रिएक्शन समझ में आएगी ऑर्गेनिक की अगर आपको ये सब समझ में आएगा तो। अच्छा, एक और चीज़ ये ना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन सिर्फ दो सेम एटम में हो, दो डिफरेंट एटम में भी हो सकती है, लेकिन उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना वो नियरली सेम होने चाहिए, स्लाइट सा फर्क होना चाहिए, बिल्कुल सही। अब जैसे अगर हम सी कार्बन हाइड्रोजन के बीच के जब भी बॉन्ड ब्रेक करते हैं ना, सी एच का बॉन्ड जब भी ब्रेक हुआ, जबकि सी एच तो डिफरेंट एटम्स हैं लेकिन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, कार्बन की कितनी होती है 2.5, तो देखो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना सी और एच के बीच का, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, तो कार्बन फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जनरेट होगा, सही है। तो अगर जब डिफरेंट आइटम है तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज़ को, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेम आइटम टूटने पर ही नॉन पोलर बॉन्ड बनता है, मतलब अगर दो ऐसे आइटम्स जिनके डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सिमिलर है तो उनका भी बॉन्ड नॉन पोलर होता है, जब उसको ब्रेक करेंगे तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगी, समझ गए, आसान सी बात है बहुत। अच्छा, अब ये अगर आपको ये समझ में आ गया बॉन्ड क्लीवेज मैंने क्या बताया, तो अब सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन जो है ना वो हमारे पास अलग अलग मैकेनिज्म से होते हैं। सब्स्टिट्यूशन के तीन मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है ना उसके लिहाज से बात किया जाएगा। अब हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो चीज़ सब्स्टिट्यूट हो रहा होता है, अब जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, वॉट एवर सब्स्टिट्यूएंट जो हम यूज कर रहे हैं, तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट तीनों तरह का हो सकता है। ये हमारे पास जैसे कि Cl डॉट को फ्री रेडिकल हो सकता है, Cl प्लस को इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, Cl माइनस को न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो जो चीज़ अटैक कर रही है उसके बिहाफ पर मैकेनिज्म का नाम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, डिपेंड्स कि वो क्या चीज़ अटैक कर रही है, मतलब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है जो कि सब्स्टिट्यूट कर रहा है हाइड्रोजन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कौन करते हैं, याद रखने की चीज़ है कि जितने नॉन पोलर हमारे पास हैं
नॉन पोलर हाइड्रो हमारे पास कंपाउंड्स कौन से होते हैं? अल्केन्स। तो अल्केन्स जो होते हैं, अल्केन्स के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन करता है? बेंजीन करता है। बेंजीन के केस में हम पढ़ेंगे कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन करता है? ये अल्काइल हैलाइड करते हैं, आरएक्स। इसको भी हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, तीनों ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मैंने बताया ना, अल्केन भी, अल्काइल हैलाइड भी और बेंजीन भी, लेकिन तीनों का मैकेनिज्म अलग अलग है। पढ़ा है ना हमने इसको सेकेंड ईयर में। इसी तरह से जब एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन करता है बेटा? अल्कीन और अल्काइन, ये जो हमारे पास ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन करते हैं भाई? कार्बोनाइल कंपाउंड्स, मीन्स एल्डिहाइड्स एंड केटोन्स। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं। तो अभी फिलहाल जो मैंने आपको बात बताई वो ये कि जो हम जो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं ना अल्केन्स के, तो हम कौन से रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं? इसको हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया क्यों? तो लिख लें इसको। ओके बेटा, सो अल्केन्स के जो रिएक्शंस हमारे पास होते हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्केन, एक तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करता ही है, इसके अलावा एक रिएक्शन और है जो हर हाइड्रोकार्बन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंबस्टन। कंबस्टन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो लगभग हर हाइड्रोकार्बन, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं, और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्टन एक ही तरह से होती है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले लेना बेटा, और इसके साथ अगर आप उसकी कंबस्टन करनी है तो रिएक्शन किससे करना होता है? ऑक्सीजन से। और एक ही चीज़ प्रोड्यूस होती है, क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हमें यहाँ पर हीट भी मिलती है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर आप ले सकते हैं, सेम प्रोसीजर, सेम तरीके से आपके क्या होता है बेटा? रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? आपकी मर्जी होगी, जैसे कि अगर आप मीथेन ले लें, आप इथेन ले लें, आप इथीन ले लें, आप इथाइन ले लें, आप बेंजीन ले लें, कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले लें, ठीक है? जब इन सब की कंबस्टन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन से इन सब का रिएक्शन अगर कराया जाता है, इन सब का रिएक्शन बेटा ऑक्सीजन से कराया जाएगा, तो क्या होगा? सबके केस में एक ही चीज़ बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये एक बड़ा बेसिक एक रिएक्शन होता है जो न्यू बुक में शायद डाले ही नहीं गया इसको, जो सेकेंड ईयर की न्यू बुक है, ओल्ड बुक में हम पढ़ते हैं इस रिएक्शन को, क्योंकि बड़ा आसान रिएक्शन है, क्योंकि सेम तरह से हो रहा होता है। इसको कंबस्टन कहते हैं, कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन, वो सेम तरह से होता है, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, बेंजीन, सबके सेम तरह से होते हैं। अच्छा, अब इसमें बस ये कि बैलेंसिंग सबके अलग अलग हो जाती है, अब यह बैलेंस करना अलग हो जाता है। अब इधर बैलेंस करना है तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास? इधर टू लगा लेंगे हम लोग, इधर टू लगा लेंगे, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? इधर बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इधर टू लगा लेंगे, ठीक है? हाइड्रोजन की जगह थ्री लगा लेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस होगी। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? टू टू द फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। और यहाँ पर कितना है? टू ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ थ्री, फोर और थ्री सेवन है, तो यहाँ टू है, तो सेवन ओवर टू कर लेंगे उसको, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर टू कर लेंगे, यहाँ पर टू कर लेंगे, ये फोर और टू सिक्स है, यहाँ पर थ्री कर लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। आती है बैलेंसिंग करनी सबको, ठीक है? यहाँ पर टू है तो यहाँ टू कर लेंगे, ओके, ठीक है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन टू है तो टू है, ऑक्सीजन यहाँ टू टू जब फोर और वन फाइव है, तो यहाँ पर मीथेन के केस में फाइव ओवर टू कर लेंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से बेंजीन के केस में क्या होगा कि सिक्स है तो यहाँ पर सिक्स लगा देंगे, हाइड्रोजन यहाँ थ्री लगा देंगे, और इट्स ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन, तो ये हमारे पास हो जाएगा फिफ्टीन ओवर टू, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि बेंजीन के केस में जो बेंजीन आपको दिख रहा है ना C6H6, जो बेंजीन आपको दिख रहा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास रिलीज हो रही है, सिक्स सी ओ टू, और इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होती है ना, तो उससे क्या होता है? एक ब्लैक सूट अपेयर होता है, ब्लैक सूट या ब्लैक स्मोक, काला धुआं एक अपेयर होता है। इसलिए वजह से कहा जाता है कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो बेंजीन होता है ना, वो एक ब्लैक सूट के साथ बर्न करता है। एंड दैट इज़ द वे वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो हमारे पास अल्केन्स वगैरह होते हैं ना, जब उनकी जो हेक्सेन जला लें इस तरह से ना, तो उनमें काला धुआं नहीं निकलता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को जलाने से काला धुआं क्यों निकलता है? जो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो यहाँ पर ज़्यादा होता है, 1:1 का मैक्सिमम रेशियो होता है ना, इसकी वजह से यहाँ ब्लैक सूट काला धुआं निकलता है इससे। जब उसके टायर वगैरह है, अब टायर जो बनते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड से बनते हैं, इसलिए टायर को जब जलाया जाता है तो काला धुआं निकलता है, सही है? तो ये चीज़ होती है। वो लकड़ी में भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं बहुत सारे, लकड़ी में भी तो बेंजीन, टॉलुइन, ये सब होते हैं,
वो पढ़ा नहीं है बेंजीन की प्रोडक्शन बाय वो कौन सा कंपाउंड था, वुड से बना रहे थे ना, कोल टार जो निकलता था, फिर कोल टार से बेंजीन एक्सट्रैक्ट करते थे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके, ठीक है। ओके तो ये तो कंबस्टन तो आसान है, मेन जो पढ़ना है हमें ना वो उसके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, ठीक है। तो बी रिएक्शन हम करते हैं इसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो जो मीथेन है बेटा, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ये हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मीथेन हो जाएगा या इथेन हो जाएगा, जो भी हमारे पास अल्केन्स होंगे वो सारे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। अब बता फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट कर रहा हो तो उनको आकर, अब कोई भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट कर सकता है ना, फ्री रेडिकल कोई भी हो सकता है, बहुत सारे फ्री रेडिकल होता है। अगर ये फ्री रेडिकल सी एल डॉट है तो फिर ये रिएक्शन हमारे पास, मतलब अगर ये फ्री रेडिकल एक्स डॉट है तो रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड हैलोजिनेशन। बिल्कुल सही जवाब, हैलोजिनेशन। अब हैलोजिन में भी तो बहुत सारे हो सकते हैं ना हमारे पास, अब हैलोजिन में एफ डॉट भी हो सकता है, सी एल डॉट भी हो सकता है, बी आर डॉट भी हो सकता है, आई डॉट भी हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। तो अब इसके लिहाज से नाम इसका चेंज होना शुरू हो जाएगा, अब एफ डॉट है तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड फ्लोरिनेशन, सी एल डॉट है तो क्या बोलेंगे, क्लोरिनेशन, बी आर डॉट है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोमिनेशन, आई डॉट है तो उसको क्या बोलेंगे, आयोडिनेशन। लेकिन आपको पता है कि ये वैसे तो ये सारे हैलोजिन्स हैं, वैसे तो ये सारे हैलोजिन्स हैं, लेकिन ये सारे फिजिबल नहीं है। याद रखिएगा कि सिर्फ क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन पॉसिबल है, आयोडिनेशन और फ्लोरिनेशन नहीं होती है। मतलब मीथेन में अल्केन्स के अंदर हम फ्लोरीन और आयोडीन को ऐड नहीं कर सकते। रीज़न क्या होता है कि फ्लोरिनेशन वाला जो रिएक्शन होता है ना वो वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं मिलते, ठीक है, कुछ और बन जाता है, जो बनने वाला होता है वो नहीं बनता, रिएक्शन करता है लेकिन इस मैकेनिज्म से नहीं करता जो हम पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से आयोडिनेशन का जो रिएक्शन होता है बहुत स्लो होता है, असल में ये रिएक्शन रिवर्सेबल होता है, तो रिवर्स हो जाता है, बैक हो जाता है रिएक्शन, मतलब बहुत स्लो रिएक्शन होता है, इसकी वजह से आयोडिनेशन भी नहीं करते। तो जो फिजिबल रिएक्शन है या तो क्लोरिनेशन करते हैं या तो ब्रोमिनेशन करते हैं, ठीक है बेटा। yes, तो याद रखिएगा फ्री रेडिकल में, तो हम यहाँ पर कुछ भी कर लेते हैं, क्लोरिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं क्लोरिनेशन, किसी भी चीज़ की कर लेते हैं, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन कर लेते हैं। इस प्रोसीजर में क्या होगा कि एक एक करके जो है ना वो हाइड्रोजन रिमूव होता जाएगा, मीथेन की क्लोरिनेशन करते हैं। अच्छा ये तीन स्टेप में होता है, आपको पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है ना उसके तीन स्टेप हमारे पास होते हैं, वन टू थ्री। फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास इसका आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चेन इनिशिएशन, है ना बेटा, पढ़ा है चेन इनिशिएशन। सेकंड स्टेप जो क्या कहलाता है वो हमारा चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन। और थर्ड स्टेप क्या कहलाता है, चेन टर्मिनेशन। तो जब भी ये मैकेनिज्म होता है, तीन स्टेप का मैकेनिज्म होता है, इसका मैकेनिज्म तीन स्टेप पर मुश्तमिल होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। और आप ये सब जानते हैं कि जो हैलोजिनेशन जो रिएक्शन हमारे पास होता है ना, जो क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन जो हम करते हैं, या जब भी हम हैलोजिनेशन करते हैं किसी भी चीज़ की, तो ये हमारा कैसा रिएक्शन होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन पता है किसको कहते हैं, बिल्कुल वो तमाम रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में होते हैं, रोशनी की मौजूदगी में होते हैं, उनको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये सारे हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस हमारे पास होते हैं, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं या फिर नॉर्मल कोई भी लाइट के प्रेजेंस में हो सकता है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है ना, चेन इनिशिएशन वाला जो स्टेप है, चेन इनिशिएट जो होता है, यही हमारा जो है ना वो फोटोकेमिकल स्टेप होता है। चूंकि जब हम क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन करते हैं तो हम रिएक्शन किसका करते हैं, मीथेन का रिएक्शन इसके अंदर हम लोग करते हैं सी एल टू से, फिर ये रिएक्शन होता है ना, तो मीथेन की क्लोरिनेशन करते हैं, वो बनते रहेगा, बहुत सारी चीज़ें भी हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो सी एल टू है ना उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, सबसे पहले चेन इनिशिएशन होगी या फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास होगी फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल किस स्टेप में बनता है, तो फर्स्ट स्टेप में बनता है चेन इनिशिएशन में। कैसे बनता है बेटा, तो देखो, अब देखो ये सी एल सी एल है ना, सी एल सी एल ने बॉन्ड बनाया हुआ है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई भी है, दिख रहा है सबको,
अब इस पे जब सनलाइट पड़ती है, सूरज की रोशनी, सनलाइट, सनलाइट भी लिख सकते हैं इसको, एच न्यू भी लिखा जाता है इसके ऊपर, एच न्यू लिख दिया तो सनलाइट ही है, रोशनी है, एनर्जी है ना, एच न्यू, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, तो ये लाइट की एनर्जी को शो कर रहा है, जो क्वांटा उसका है, जो फोटोन है उसकी एनर्जी को शो कर रहा है, ठीक है। तो लाइट भी लिखा हो सकता है, सनलाइट भी लिखा हो सकता है, एच न्यू भी लिखा हो सकता है उसके ऊपर। होगा क्या बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगी, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास दो Cl हमारे पास अलग अलग जनरेट हो जाएंगे। अब चाहो तो पूरे इलेक्ट्रॉन लगा दो, चाहो तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भी लगा सकते हैं उसके ऊपर। तो ये जो हमारे पास बेटा यहाँ पर बने, दे आर कॉल्ड एज क्लोरीन फ्री रेडिकल्स कहा जाते हैं इनको, ठीक है, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स कहते हैं इनको। इसके बाद चेन प्रोपेगेशन होती है। चेन प्रोपेगेशन में क्या होता है कि अब यहाँ अटैक हो जाता है, ठीक है, फ्री रेडिकल का मीथेन पर, मतलब हाइड्रोजन एक एक करके सब्स्टिट्यूट होना शुरू हो जाता है। अब एक लंबा स्टेप है जो चलता ही रहता है। जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा कि इसमें, जैसे हमारे पास मीथेन है ना, मीथेन के क्लोरीनेशन करें, मीथेन ये रहा, तो सबसे पहले क्या होगा कि यह सब्स्टिट्यूशन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो Cl डॉट एक आएगा हमारे पास और हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन सी एच और उसके बाद एच, फिर यहाँ पर सी एल आ जाएगा और प्लस एच डॉट बाहर निकल जाएगा, एच डॉट बाहर हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, जो एच डॉट बाहर निकला होगा वो दूसरे सी एल से रिएक्शन कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एच सी एल बन जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसीजर चलता रहेगा और ये रिएक्शन उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि सारे हाइड्रोजन ख़त्म ना हो जाए। चार हाइड्रोजन है ना, चारों हाइड्रोजन को ख़त्म करेगा तो चार बार ये होगा। लेकिन तो क्या ऐसी बात है कि हम सेकेंड ईयर तो नहीं पढ़ रहे, हम एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो हम सारा नहीं लिखने वाले इसको, ठीक है। इसके बाद चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, चेन टर्मिनेशन में बस क्या होगा कि जब सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे तो इन द एंड क्या होगा कि जो सी एल है ना, जो सी एल बचे हुए सी एल होंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल जो आखिरी में बचे होंगे, वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे दोबारा से और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चेन टर्मिनेशन हो जाएगी। तो ये तीन स्टेप होते हैं जब भी हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। ये बता दूं मैं, इस कम्बशन, कम्बशन तो लिख लिया सबने। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ ओवरऑल रिएक्शन होता है किस तरह से, अभी लिखे नहीं इसको, समझे ज़रा, ठीक है। तो अब देखो हर स्टेप में क्या होगा इसमें कि एक एक हाइड्रोजन निकलता रहेगा, एक एक क्लोरीन ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें ओवरऑल रिएक्शन अगर हम इसका देख लें कि किस तरह से ओवरऑल ये रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओवरऑल रिएक्शन। तो एक एक स्टेप करके यहाँ पर क्या होगा, जैसे मीथेन है ना भाई, सी एच फोर है, अब इसने सी एल टू से रिएक्शन किया पहले, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक क्लोरीन बढ़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एल बन गया, और साथ में हमने मैकेनिज्म में देखा तो एच सी एल भी बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब ये अगले स्टेप में बढ़ेगा, फिर ये सी एल टू से रिएक्शन करेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन बढ़ेगा, तो क्या बन जाएगा, सी एच टू सी एल टू प्लस एच सी एल। अगला स्टेप फिर आएगा सी एच टू सी एल टू, ये सी एल टू से रिएक्शन करेगा, बनेगा सी एच सी एल थ्री प्लस एच सी एल। लास्ट स्टेप में क्या होगा कि सी एच सी एल थ्री, फिर ये सी एल टू से रिएक्शन करेगा, सी सी एल फोर बनेगा प्लस एच सी एल बन जाएगा, यहाँ जाके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। मतलब ये रिएक्शन उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। अच्छा, जो कंपाउंड्स यहाँ पर हमारे पास जो बने हैं उसको भी नेम देख लेते हैं इनका, सी एच थ्री सी एल, इसका कॉमन नेम में क्या बोलेंगे उसको, पता है, मिथाइल क्लोराइड। और आई यू पी एस सी में क्या बोलेंगे उसको, या दिस इज कॉल्ड क्लोरोमिथेन, इसको कॉमन में क्या बोलेंगे, मिथाइल डाई क्लोराइड, डाई मिथाइल का सर, मिथाइल डाई क्लोराइड। और आई यू पी एस सी में क्या बोलेंगे, पता है सबको ये बात, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल ट्राई क्लोराइड हो गया, ये क्योंकि तीन क्लोरीन है। और आई यू पी एस सी में उसका एक और नाम होता है, जानते हैं आप, यस वेल डन, इसी को हम लोग जो है वो क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, सब पता ही यार तुम लोगों को, माशाल्लाह अच्छी बात है, क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, एनेस्थीसिया है ये, फ्रॉक्स को बेहोश करने के लिए, अनकॉन्शियस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकल्स में बायोलॉजी के। सी सी एल फोर ये क्या है, अजियस, ये मिथाइल टेट्रा क्लोराइड नहीं है, सही कहा आपने, दिस इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टेट्राक्लोरो कार्बन नहीं बोलेंगे, मीथेन, आई यू पी एस सी में तो मीथेन लिख सकते हैं, ठीक है, सी सी एल फोर, बस समझ में आ गए। तो बस ये रिएक्शन यहाँ पर हमारा हो गया, दिस इज कॉल्ड
हैलोजिनेशन या क्लोरीनेशन। गुड, एल्कीन किसे कहते हैं? एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, बिल्कुल सही। इन्हीं को ऑलिफिन्स कहा जाता है, बताया था, याद है? इन्हीं का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। सैचुरेटेड होता है कि अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड होते हैं, चूँकि इनके अंदर बाय बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इतनी बात तो हम जानते हैं। ठीक है, जो चीज़ें हमें पढ़नी हैं अल्कीन्स के बारे में, वो क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं? सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसा होता है अल्कीन का। उसके बाद बेटा इसकी प्रिपरेशन भी देखनी है, इसको प्रिपेयर किससे किया जाता है, और वही दो तरीके जो तरीके आपके बुक में लिखे गए, दोनों तरीके से देखना है। एक हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से कैसे बनेगा, एक ये देखना है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से बनाना है, और एक बनाना है हमें डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बहुत आसान रिएक्शन, ये दो देखने। इसके बाद सी पार्ट में हम क्या देखेंगे बेटा? रिएक्शंस देखेंगे इसके। अब रिएक्शंस कितने हैं टोटल? रिएक्शन PMDC सिलेबस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिएक्शंस है टोटल। मीन्स हाइड्रोजन से कराना है, H2 से कराना है, X2 से कराना है, वाटर से कराना है, HX से कराना है, इसी तरह से हेलो हाइड्रेशन करनी है। ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो सब समझा दूंगा अभी, ठीक है? और लास्ट में क्या करना है हमें? इसकी पॉलीमराइजेशन। अगर आप सिलेबस चेक करोगे तो ये सारे हैं टॉपिक्स जो हमें करने हैं, ठीक है? तो बहुत आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग है पूरा ये स्टार्ट से एंड तक। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पे 2-3 मिनट बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं? अच्छा, अल्कीन के स्ट्रक्चर में आपको पता है कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। yes, और जब भी कार्बन जो है वो डबली बॉन्डेड होता है तो सूरत में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? दोनों कार्बन की, बिल्कुल सही, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, करेक्ट। और जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं उनका शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल होता है। ट्राइगोनल प्लेनर होता है कि पिरामिडल होता है? दो तरह के ट्राइगोनल होते हैं ना भाई। देखो देखो मैं बता रहा हूँ इस तरह से, तो जवाब गलत दिया इसलिए मैंने बोला था पहले सुन लें, ठीक है? ये हमारे पास देखो ये ट्राइगोनल शेप होता है, दिस इज कॉल्ड, ये है ना 120 डिग्री, फैन लाइक शेप, ठीक है? ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है, ये है ना ट्राइगोनल शेप, इसको हम कहते हैं। ये ट्राइगोनल प्लेनर कहलाता है, ये पूरा नाम इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर, जो कि प्लेन पर रखा सकता है, ये एक प्लेन पर आ सकता है, चिपटा पूरा रखा जाएगा, ऊपर नहीं उठा होगा प्लेन से। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा सा यहाँ से, अगर मैं यहाँ से टिल्ड कर दूँ ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है? अब ये देखो ये शेप दिख रहा है आपको, ये भी ट्राइगोनल है, ये भी ट्राइगोनल है, लेकिन ये ना अगर ज़मीन पर रखेंगे तो उठा होगा ऊपर, ये इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड, पूरा इसको सिर्फ कराची में हम लोग कहते हैं पिरामिडल, पूरा नाम इसका होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ये ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। बॉन्ड एंगल वन कम हो जाता है ना अब इसके बीच में, जो कि करीब करीब आगे तो 107 डिग्री हो जाता है, ये वाला बॉन्ड एंगल, पता है ये बात सबको, ठीक है? तो ये तो हमारा प्लेनर होता है sp2, ठीक है? वो sp3 में आता है पिरामिडल लोन पेयर आने पर, वो आगे आएंगे तो पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है? तो ट्राइगोनल शेप है, तो ट्राइगोनल शेप है, तो ट्राइगोनल प्लेनर है असल में, ठीक है? याद रखिएगा, कभी इस तरह से भी आता है। और बॉन्ड एंगल कितने हमारे पास है? 120 डिग्री इसके अंदर होगा, 120 डिग्री होगा। और इसके अंदर अच्छा, अगर हम इथीन की बात कर लेंगे, इथीन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही आपको याद रखनी होगी कि इथीन के अंदर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे और पाई बॉन्ड्स कितने होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इथीन में? देखो चेक करो, 5 सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड कितना है? 1 पाई बॉन्ड है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है के साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है? सिग्मा बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है कि साइडवेज ओवरलैपिंग से? बेटा दोनों से नहीं बनता है, हेड टू हेड, ये हेड टू दोनों एक ही चीज़ है, तो लोगों को फंसा रहे, तो लोग फंसते भी हो। हेड टू हेड से बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, पैरेलल और साइडवेज ओवरलैपिंग एक ही चीज़ होती है, पाई बॉन्ड बनता है उससे जो न्यू बन रहा होता है, जो सोए हो गया तुम लोग, ठीक है? ओके, तो ये हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, बाकी हमारे पास ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है? तो जब इसका शेप हम ड्रॉ करते हैं तो शेप इस तरह से बनता है ना भाई, लाइक दैट, ठीक है? इस तरह से शेप बन जाएगा हमारे पास। तो ये बॉन्ड एंगल हमारे पास 120 डिग्री का जाता है, बस काफ़ी है, समझ में आ गया? अच्छा, इथीन को ही दूसरा नाम पता है क्या होता है इथीन का? यस, दिस इज कॉल्ड इथाइलीन, इथाइलीन, इथीन को ही कहते हैं ना, इथाइलीन कॉमन नेम है उसका। तो
सही। अच्छा विनाइल किसे कहते हैं, व्हाट इज विनाइल? तो डबल बॉन्ड तो इथीन में भी होता है, तो ये डबल बॉन्ड तो इथीन में भी होता है, तो इथीन और विनाइल में क्या फर्क है? यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इथीन एंड विनाइल? तो सही करो, जोर से बोलो। यस, एक वैकेंसी होती है, बिल्कुल सही, खाली जगह होती है, दिस इज कॉल्ड विनाइल। विनाइल अल्कोहल कहते हैं तो OH लगा देते हैं, विनाइल क्लोराइड कहते हैं तो Cl लगा देते हैं आप। तो अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन निकल, जैसे अल्केन्स में से जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं, इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो इथाइल बनेगा ना, इथेन में से निकालोगे तो फिर विनाइल बन जाएगा। अगर सेम यही काम अगर आप ट्रिपल बॉन्ड से करो तो क्या बनेगा? अब जैसे ये एक वैलेंस इसकी खाली कर दो, ये क्या होता है पता है? इसका नाम पता है? इथाइलिडीन गैस हो गई। इथाइलिडीन तो डबल बॉन्डेड होता है। ये क्या होता है पता है? ये कौन सा ग्रुप है? इसको हम बोलते हैं एलाइल, एलाइल ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप कहलाते हैं, AL, एलाइल। जैसे ये विनाइल होता है तो ये एलाइल होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें भी तो एक बॉन्ड खाली हो सकता है ना। Cl लगा दिया तो एलाइल क्लोराइड हो गया, ये हमारा कॉमन नेम के लिहाज से। तो ऐसे ही बता रहा हूँ जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, अब आते हैं, प्रिपरेशन करते हैं जल्दी से। ठीक है, समझ में आ गई बात है सबको? ठीक है, मैं चाह रहा हूँ उसको बस मैं कंप्लीट करूँ आप। सही है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स को कितनी तरह से बनाया जा सकता है? तो बहुत सारे तरीके हैं अल्कीन को बनाने के, हम यहाँ दो तरीके देख रहे हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और डिहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। These two methods we are going to see here, ठीक है। तो सबसे पहला method जो यहाँ पर हम देखने वाले हैं बेटा, तो उसका नाम है dehydration of alcohol। Hydration, alcohol की dehydration से हम बना सकते हैं, ठीक है। Alcohol किसे कहा जाता है पता है? ROH, यही होता है alcohol। Dehydration का मतलब क्या होता है? यस यस, दिस इज रिमूवल ऑफ वाटर, वेल डन, रिमूवल ऑफ वाटर। अच्छा, अल्कोहल के जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं ना बेटा, तो दो प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं इसमें। इसमें हमें एक अल्कीन भी मिलता है, और अल्कीन के साथ साथ इसमें हमें एक ईथर भी मिल सकता है। ईथर्स भी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से बनाए जाते हैं, अगर आपने पढ़ा है सेकेंड ईयर में। तो फर्क सिर्फ टेम्परेचर का होता है ना। लो टेम्परेचर अगर होगा तो लो टेम्परेचर पर अल्कीन बनता है, और ये टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दोगे तो ईथर बन जाता है, पढ़ाया ना उसको। तो यहाँ पर हम तो अल्कीन्स बनाएंगे ना, ईथर का टॉपिक तो आगे जाकर आएगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर जब हम पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो वो हमारा टॉपिक नहीं है, तो आसान बात वो भी पर टॉपिक नहीं है। तो अभी हम पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन करने के लिए आप सबको पता है कि हमें चाहिए होता है ये क्या बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होता है, जो वाटर को रिमूव कर सके। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग? यस बिल्कुल, H2SO4 यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड इट शुड बी हॉट एंड कंसंट्रेटेड। हॉट एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है, और ये हमारे पास क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इसी तरह और भी हो सकते हैं, P2O5 का भी सुना होगा आपने, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये भी हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये भी डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज रखता है, वाटर रिमूव कर सकते हैं किसी कंपाउंड से। एसिटिक एनहाइड्राइड बनाते हैं तो P2O5 यूज़ करते हैं। इसी तरह से H3PO4 भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको पता है H3PO4 दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। तो ये सारे हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, सिर्फ यही नहीं होता। हाँ, लेकिन हम यहाँ के पे हम बुक के लिहाज से H2SO4 यूज़ करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, बट ये सारे भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये दिस इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो ये न्यू बुक के अंदर हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है, P2O5 को, ओल्ड बुक में नहीं था हमारी। तो अच्छा, अब बात करते हैं बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के। जब भी डिहाइड्रेशन की जाएगी तो सूरत में हमारे पास अल्कीन जनरेट होगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब जैसे अगर जनरल रिएक्शन की बात करूँ, तो अल्कोहल ले लिया आपने, कोई भी अल्कोहल है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जब उस पर डाला जाएगा हाई टेम्परेचर पे, तो वो हमारे पास अल्कीन जनरेट करेगा और वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से। जैसे इनकेस अगर हमें बनाना है क्या,
अगर हमें अल्की इथीन बनाना है तो हमें इथेनॉल यूज करना पड़ेगा, इथाइल अल्कोहल, तो हमने ले लिया C2H5OH। तो ये हमारे पास इथेनॉल कह सकते हैं इसको आप, या आप इसको कह सकते हैं इथाइल अल्कोहल, दोनों नाम इसी के हैं, ठीक है। तो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल ले लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा तो C2H4 बन जाएगा प्लस वाटर, तो बना ये इथीन। क्लियर है सबको? बस यहाँ पर नहीं, देखो टेम्परेचर तो दोनों में है, देखो हॉट तो ये भी है, दोनों हॉट है लेकिन रिलेटिवली बात कर रहे हैं। यस, इथर में और इथर बनाने के लिए और हाई टेम्परेचर करना पड़ता है, मतलब जैसे इसमें अगर 100 डिग्री पर करते हैं ना इसमें, तो इसमें हमें 270 डिग्रीज तक टेम्परेचर करना पड़ता हाई पे, सही है बस। लेकिन सेकंड प्रिपरेशन है बेटा, बस वो लास्ट टॉपिक हम करने वाले हैं, दिस इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसको जरा डिटेल में डिस्कस कर लो, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये दूसरा तरीका होता है हमारे पास बेटा किसको बनाने का, अल्कीन्स को बनाने का। RX तो आप सब जानते हैं अल्कीन्स को, वो सॉरी अल्काइल हैलाइड को कहते हैं, पता है ये बात सबको। और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन किसे कहा जाता है, डी मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल ऑफ नहीं, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड हैलोजिन मतलब एक्स, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजिन, दिस इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब एक ही मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और हैलोजिन दोनों रिमूव कर दिया जाए, इसको कहा जाएगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसी रिएक्शन को, इसी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन को ही हम लोग जो है वो कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है इसको। तो इसी को हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्यों बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, ड्यू टू रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, चूंकि इसमें बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है, ड्यू टू रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन। चैप्टर 6 में बेटा इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, अभी थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। बीटा इसके पूरा मैकेनिज्म है इसका, E1E2E रिएक्शन भी कहते हैं ना इसको, बाई मॉलिक्यूलर यूनि मॉलिक्यूलर बहुत सब कुछ होता है। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, इसी को हम लोग बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। अब अगर हम इसमें कोई रिएक्शन करना चाहें, ठीक है, तो अब मैं रिएक्शन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अगर मैं कोई अल्काइल हैलाइड ले लूँ, अल्काइल हैलाइड में क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड ले लेता हूँ बेटा, सही है, C2H5Cl। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये Cl आ गया हमारे पास, ये हाइड्रोजन आ गया, बल्कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लेता हूँ, इधर पर Cl कर लेता हूँ, कहीं पर भी लगा सकते हैं, मेरी मतलब मर्जी होती है। ये हमारे पास, अच्छा इससे पहले कि मैं रिएक्शन लिखूँ ना, रिएक्शन लिखने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एजेंट भी तो चाहिए होगा हमारे पास ना, तो हमें चाहिए होगा यहाँ पर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करने के लिए हमें डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट चाहिए होता है, और वो क्या होता है हमारे पास, वो हमें चाहिए होता है कोई स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं ना इसके अंदर, तो अल्कोहलिक KOH जो होता है ना वो हमारे पास करते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सही है। अगर इसको समझिए आप किस तरह से होता है, जब भी हम कोई अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसके रिएक्शन KOH से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो अल्कोहलिक मीडिया में रिएक्शन होता है ये, तो सूरत में क्या होता है हमारे पास कि अल्कीन बनेगा, अल्कीन के साथ KX बनता है और KX के साथ वाटर बनता है, ये हो सकता है। अच्छा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप KOH लें, आप यहाँ पर NaOH भी ले सकते हैं, मतलब लेना आपको हमेशा क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। अब स्ट्रॉन्ग बेस में आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, तो अब जब यहाँ पर NaOH लेंगे तो बजाय सोडियम हैलाइड के, सॉरी पोटेशियम हैलाइड के, सोडियम हैलाइड बन जाएगा। ये तो मैंने जनरल रिएक्शन लिखा है ना, जनरल रिएक्शन एक ऐसे ही एक ओवरव्यू के लिए होता है। अब हम इसमें कोई मेन रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया इथाइल क्लोराइड लिख लेते हैं, अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिएक्शन शुरू करने से पहले ना रिएक्शन के बारे में बेसिक डिटेल्स बहुत ज़रूरी है, वरना मुझे क्या अभी लिख के ख़त्म कर दूंगा, मुझे तो पता है क्या होने वाला है, बट आपको नहीं समझ में आएगा क्या हुआ फिर, ठीक है। तो ये हमारे पास, और भले आप जितनी भी कोशिश कर लो, देखो रट्टा आप एक हद तक ही मार सकते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं बिल्कुल बनना, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, वॉट एवर, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, हर कुर्बानी पेश कर सकते हैं, लेकिन रट्टा ना फिर भी आप लिमिटेड मार सकते हैं, 24 घंटा बैठ के आप रट्टा नहीं मार सकते,
अगर ऐसा हो तो हर बच्चा डॉक्टर बन जाए, क्योंकि पैशन तो कुछ बहुत पैशनेट होते हैं इस मामले में, याद कर करके बन जाए, फिर नहीं बन पाते, क्योंकि आप बोल तो सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है सर हमें बनना है, बट मेमोराइजेशन इसमें काम नहीं आएगी, ठीक है, तो याद रखना है। तो इधर पर अब क्या होगा हमारे पास कि एच 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 हो गया यहाँ पर, एक तरफ एच आ जाएगा, एक तरफ सी एल आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया C2H5Cl, दिस इज इथाइल क्लोराइड, क्लोरोइथेन भी कह सकते हैं उसको। इसका रिएक्शन होगा KOH के साथ, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पर अल्कोहलिक मीडियम ले लेंगे, एक्वस मीडियम में नहीं करना है, यहाँ अगर आप वाटर ले लोगे ना एरो के ऊपर तो फिर ये न्यूक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, जो अलग रिएक्शन, तो यहाँ पर अल्कोहल का लेना जरूरी है, अल्कोहलिक मीडियम होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास, ठीक है। देखो ये बॉन्ड हमारे पास कैसा बॉन्ड है, ये हमारे पास बॉन्ड जो है वो पोलर बॉन्ड है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, yes, सही है। तो के प्लस हो गया, वो क्या होगा कि सी एल के प्लस के साथ निकल जाएगा, पोटेशियम के साथ ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो के सी एल बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कार्बन के साथ जो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, अच्छा ये ओ एच माइनस है ना, तो ये बेस है, अब बेस हमेशा क्या करता है एच प्लस को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। अब ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ये जो आपको दिख रहा है सी एल माइनस, ये हमारे पास दिस इज एक्चुअली द फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच होता है उसको क्या कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको कहते हैं बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं, ये तीन बीटा हाइड्रोजन है, किसी भी बीटा हाइड्रोजन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, अच्छा ये पोलर बॉन्ड नहीं है, ये एच प्लस जो है ना वो क्या होगा कि ये हमारे पास इस बेस के साथ अटैच हो जाएगा, वाटर बन जाएगा, चूंकि जाहिर सी बात एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, बेस एच प्लस को खींचेगा अपने पास ही, तो वाटर बन जाएगा प्लस एच टू। अब वाटर बन जाएगा तो आप देख लोगे यहाँ पर हमारे पास इस तरह से बच गया, आप सिर्फ ऐसे बच गया ना। अब कार्बन आपको पता है कार्बन हैज द एबिलिटी टू मेक फोर बॉन्ड्स, अभी तीन तीन बॉन्ड बने हुए तो क्या हो जाएगा एक डबल बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ पर, तो क्या हमारे पास एल्कीन बन गया, इथीन बन गया। इसी को हम लोग कहते हैं डी हाइड्रोहैलोजनेशन, चूंकि आपने एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन को रिमूव किया इस प्रोसेस में, इसी को कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, चूंकि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बीटा हाइड्रोजन की एलिमिनेशन हुई इस रिएक्शन के अंदर, और कैसे होता है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, क्लियर समझ की बात। सब ओवरऑल कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड बेस नहीं, इसमें तो बेसिक मीडियम भी एसिडिक भी है ना, जैसे कि के प्लस सी एल के साथ मिला नेगेटिव, हाइड्रोजन को ही हम सिर्फ जो H प्लस है ना इसको बस एसिड कंसीडर कर रहे हैं, तो वो बेस खींच ले रहा है उसको अपने पास OH माइनस, ठीक है। देखो अगर इसको एक्वस मीडियम में से नहीं करते ना, कि अगर यहाँ पर एक्वस मीडियम आ जाएगा ना, अगर वाटर ले लेंगे तो OH नेगेटिव ना वाटर से H प्लस को खींच लेगा अपने पास, इस वजह से हम एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी करते हैं तो एक्वस नहीं यूज करते हैं, लेकिन अगर जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एक्वस मीडियम में होता है SN1 SN2, वो आगे पढ़ेंगे, अभी टॉपिक नहीं है, ठीक है।